यहाँ पे लेपर्ड लोगों ने देखा जो कि अभी भाग चुके हैं, वन विभाग को मेरे ख्याल से सूचित कर दिया इन्होंने। सो यहाँ इनके खेत थे गांव वालों के, अभी कुछ काम करने गए थे तो तेंदुआ था यहाँ पे। चाहे ये मैनीटर नहीं होगा, अंदर आ गया होगा लेकिन अपनी जान के बचाव में अटैक कर लेगा। जंगल का रास्ता खूबसूरत, यहीं पे जिम कॉर्बेट का बचपन बीता था। अभी लेफ्ट में जो हमारी दीवार चल रही है, दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई जिम कॉर्बेट। गाइस हम आ चुके अपने जंगल रिजॉर्ट में और इधर पे गाइस पूरा जंगल है। तो रात में व्हेन यू आर हियर विद किड्स यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। इज दैट अ किंगफिशर? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं कॉर्बेट साहब के गांव छोटी हल्द्वानी। और ये अभी हम बाजपुर से थोड़ा आगे और यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी अभी। यहाँ पे लेपर्ड लोगों ने देखा जो कि अभी भाग चुके हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे थे, अब तो काफ़ी लोग निकल गए, अंदर तक डंडे लेके लोग गए। वन विभाग को मेरे ख्याल से सूचित कर दिया इन्होंने। एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट इन जगहों पे होते रहते हैं। आसपास देखिए तो पूरा जंगली है इधर। इधर ये जिम कॉर्बेट के आउटस्कर्ट से कनेक्टेड है। सो यहाँ इनके खेत थे गांव वालों के, अभी कुछ काम करने गए थे तो तेंदुआ था यहाँ पे। अभी यहाँ पे लोकल से बात हुई ना माँ, तो वही बता रहे थे लोग खेत में गए होंगे इसी काम से, तो यहीं झाड़ी में बैठा हुआ था। मचा हल्ला तो इधर पे लोगों ने भी फिर लठ लेके अंदर गए। अभी अंदर जाके आग वाग जलाई है उन्होंने, क्योंकि ऐसे में बच्चे बच्चों पे इस समय शाम का वक्त है ना, अटैक भी कर देगा, झपट जाएगा। चाहे ये मैनीटर नहीं होगा, अंदर आ गया होगा लेकिन अपनी जान के बचाव में अटैक कर लेगा। चलिए नमूना गांव के पास का ये इंसिडेंट है। नमूना गांव जो कि बाजपुर से अगर आप काला डूंगी नैनीताल की तरफ जा रहे हैं तो 3-4 किलोमीटर बाद ही पड़ जाता है। और अभी ऐसा भी है कि बरसात का समय है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इस समय वेजिटेशन, चाहे वो क्रॉप्स हो और चाहे ये जो जंगली इस समय घास उगाती है ना, तो उसको बहुत परफेक्ट कवर मिल जाता है। और आसपास रिहायशी इलाके हैं, कुत्ते मवेशी बहुत सारे हैं। और 5:45 हो रहा है, इनका आइडियल टाइम होता है। एक जो नॉन मैनीटर होता है वो इसी समय आता है और रात के 3 बजे निकल लेता है वापस जंगल, एज पर जिम कॉर्बेट एंड अदर एक्सपीरियंस हंटर्स। और जो मैनीटर होता है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है और सुबह 6-7 बजे तक रहता है। आदतों में काफ़ी इनका चेंज होता है। सो रिहायश काफ़ी है यहाँ पे, काफ़ी सारे विलेजेस हैं लेकिन चारों तरफ जंगलों से घिरे हुए हैं, तो यहाँ पे एनिमल आ जाते हैं। यहाँ पे जंगल का रास्ता खूबसूरत है। सो ये मोहान और सीताबनी वाला एरिया नहीं है गाइस, इफ यू आर वॉचिंग। ये है अपना बाजपुर से काला डूंगी वाला रास्ता, जंगल वही है। लेफ्ट साइड में आपको जो जंगल दिख रहा है ये कनेक्ट करेगा सीधा रामनगर सीतामणि। गाइस पहुंच चुके हैं हम दिस प्लेस दैट यू सी। अब मैं यहाँ से जंगल रोड में राइट लूंगा। ये घुस चुके हम छोटी हल्द्वानी, जिसको कॉर्बेट विलेज भी बोला जाता है क्योंकि यहीं पे जिम कॉर्बेट का बचपन बीता था। राइट साइड में आपको कुछ खंभे लगे हुए दिख रहे होंगे, इस वजह से तारे लटक रही है। दीज आर सोलर फेंसिंग्स की, और काफ़ी डैमेज भी हो गई हैं कि जंगली जानवरों को रोकने के लिए, स्पेशली एलिफेंट, क्योंकि राइट साइड में बोर नदी है और यहाँ से एलिफेंट आ जाता है। और जंगल यहाँ पे भी काफ़ी घना हो रखा है। पापा सही बोल रहे हो। अब यहाँ से हमें जाना है करीबन 1.5 किलोमीटर अंदर। पापा हम पहुँच जाएंगे। हाँ अब तो ये रोड भी पक्की हो गई है, जब हम पहले यहाँ आते थे तो पापा चुप रहना है। ये रोड बिल्कुल पापा प्लीज चुप रह जाओ, कच्ची थी। पापा प्लीज चुप रहो ना, नहीं तो आपकी आवाज से ना मुझे ही खा जाएगा वो। कौन खाएगा तुम्हें? लेपर्ड। नहीं नहीं लेपर्ड खाए। विकू बेटा राइट साइड में देखते रहना, यहाँ पे है फीमेल लेपर्डस। राइट हाँ, इस तरफ देखते रहना। हाँ जंगल में ठीक है। अभी यहाँ तो नहीं, थोड़ा आगे।
ये राइट साइड में, गाइस राइट साइड में जो दीवार चल रही है ये वाली देखिए, सॉरी लेफ्ट में जो हमारी दीवार चल रही है, इस दीवार की कहानी है, दिस इज मोर देन 100 years old। ये दीवार तो बीच बीच में टूट गई है क्योंकि लोगों ने घर बना दिए हैं। दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय जिम कॉर्बेट, जब ये विलेज बसा रहे थे जिम कॉर्बेट, तो यहाँ के जो लोग यहाँ बसे थे उनसे ये जिम कॉर्बेट ने वॉर नदी से पत्थर सरवा के ये पुरानी दीवार बनाई है। सो दिस इज एन आइकॉनिक वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय जिम कॉर्बेट, ये जो लेफ्ट साइड में हमारे चल रही है और पूरी आगे तक चलेगी है। यहाँ है बेटा लेपर्ड, अब राइट साइड में बहुत दिखता है। पापा देखो एप, मुझे पीछे एप दिखा। एप, ए पी ई एप, ए पी ई एप, एप नहीं एप। अच्छा यहाँ तक ये रोड उन्होंने पक्की कर रखी, इसके आगे कच्ची है और यहाँ बहुत अच्छी सोलर फेंसिंग कर दी है अब, जो पहले हुई नहीं थी। गाइस इफ यू लुक ऑन द राइट, ये पूरी सोलर फेंसिंग चल रही है हमारे साथ साथ। घना तो है ये बर्ड वॉचर मिस्टर पवार का रिजॉर्ट है इधर लेफ्ट में, और ये हरीश भैया का। हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट, इनका नाम है हरीश भैया। अंकल, हाँ अंकल। गाइस ये हम आ चुके अपने जंगल रिजॉर्ट में, इन्होंने फ्रेंड बना लिया है और इधर पे गाइस पूरा जंगल है। तो रात में व्हेन यू आर हियर विद किड्स यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। ये आगे पे भैया ने बर्ड वॉचिंग के लिए बना रखा है, कल उसको देखते हैं। यहाँ पे घना हो रखा है इस समय। भूत नहीं है यार, यहाँ पे जंगल एरिया है। यहाँ पे लेपर्ड होगा, एलिफेंट होगा, डियर होंगे। देखो आवाज, ये देखो क्रिकेट्स की आवाज, झींगुरों की आवाज होती है। सो गाइस विक्कू सिंह को थोड़ी इवनिंग वॉक पे लेके जा रहे हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी विद योर किड्स व्हेन एट दिस आवर, इट्स ऑलमोस्ट 6:30। और ऐसे समय में अगर आपके पास किड्स हैं तो थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि ये टाइम होता है जानवरों के, लेपर्ड्स के ऐसे रिहायशी इलाकों में आने के लिए। सो पहले यहाँ से काफ़ी मूवमेंट होता था इस रोड में भी, इनफैक्ट लेपर्ड का और टाइगर का यहाँ सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा गया। लेकिन फिर यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट हुआ, ये देख रहे हैं आप। ओ माई गॉड, भी कुछ चुप रहना। ये बर्ड देखिए गाइस, ब्यूटिफुल इट इज, बताइएगा कौन सी है। हाँ तो ये देख रहे हैं आप, ये है सोलर फेंसेस। तो ये पूरी फेंसिंग कर दी है आगे विलेज से लेकर के और यहाँ तक। ये गेट अगर आप देख रहे हैं, ये वाला गेट रात में क्लोज हो जाता है। अब लेपर्ड जो है और जो भी एनिमल मूवमेंट है वो अब यहाँ से हो रहा है बाहर की तरफ। विकू दौड़ना नहीं है बेटा, जंगल है, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड दिस इज गाइस, बताइएगा कौन सी है। इज दैट अ किंगफिशर? नहीं विकू, पत्थर नहीं मारते बेटा, दिस इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। यस, इसने कुछ इंसेक्ट उठाए और आके वापस बैठ गई और विकू सिंह डरा दिए। आप क्यों डराए बर्ड को?